नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। संस्कृतिविद जोशी के निधन में मंगल दिन सार्वजनिक विदा देवक सरकारक निर्णय। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काज करवला के तत्काल कार्रवाई कर आयोग द्वारा सीडीओ सब के निर्देशन। तूल बैनर तत्काल हटाल जाए। सोम के 67वां प्रहरी दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गया। बैंक के ब्याजक किस्ता बुझेबाक समय 2 वर्ष और बढ़ाव। होटल संघक मांग, समय ने बढ़ोला पर होटल सब बंद करवाक चेतावनी। आ राष्ट्रीय खेलकूद में महिला क्रिकेट के उपाधि के लिए पुलिस क्लब आ सशस्त्र प्रहरी बीच प्रतिस्पर्धा है। अब समाचार विस्तार में। सरकार संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी के निधन के शोक में मंगल दिन सार्वजनिक विदा देने छे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल सोम दिन विज्ञप्ति जारी कर कार्तिक 1 गते मंगल दिन देश भर सार्वजनिक विदा देवाक निर्णय भेल जानकारी दिलने छे। शताब्दी पुरुष जोशी के 103 वर्षक उम्र में रवि दिन भिनसर निधन भेल छल। शोक में देश भर के सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ संस्था आ विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग में राष्ट्रीय झंडा झुकेबाक निर्णय भेल पोखरेल जानकारी दिलने छे। नेपाली कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि के स्वागत कर गठबंधन के उम्मीदवार सब जनकपुर धाम विमानस्थल एक साथ पहुँचल। सोम दिन जनकपुर धाम आयल निधि के स्वागत कर कांग्रेस के उम्मीदवार के संगे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा के सदस्य उम्मीदवार लोसपा के नेता अनिल कुमार झा, प्रदेश सभा सदस्य उम्मीदवार लोसपा धनुषा अध्यक्ष परमेश्वर शाह, कांग्रेस उम्मीदवार राम सूरज यादव सहित विमानस्थल पहुँचल छे। निधि आसन निर्वाचन के समानुपातिक उम्मीदवार समेत रहल अछि। ओ अनिल झा सहित गठबंधन के प्रत्यक्ष उम्मीदवार सबके सहयोग हेतु जनकपुर धाम आयल अछि। हुनका प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार लोसपा के शीर्ष नेता अनिल कुमार झा, प्रदेश सभा के उम्मीदवार परमेश्वर शाह अपन समर्थक सहित स्वागत कयने छल। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन करवला के तत्काल कार्रवाई कर प्रमुख जिला अधिकारी सबके निर्देशन देने छै। सोम दिन गृह मंत्रालय में देश भर के प्रमुख जिलाधिकारी सब संघ के वर्चुअल बैठक में निर्वाचन आयोग के आयुक्त राम प्रसाद भंडारी आचार संहिता उल्लंघन कैले पाओल गेला पर तत्काल कार्रवाई कर निर्देशन दिलने छे। केंद्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति के संयोजक समेत रहल आयुक्त भंडारी आचार संहिता उल्लंघन के प्रमाण भेटला पर तत्काल नियंत्रण में लब कंजुस्याई नै कर सेहो कहलन अछि। ओ मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भेल अवस्था में हुनक क्षेत्राधिकार प्रमुख जिला अधिकारी प्रयोग कर सकबाक सेहो स्पष्ट कयलन अछि। यहाँ प्रथल गरेछ र यसरी आचार संहिता तर्जुमा गर्दाखेरि नै हामीले यहाँहरुको स्पष्ट भूमिका समेत उल्लेख गरेर आचार संहिता तर्जुमा गरिएको हुनाले अहिले साच्चै भन्नु पर्दा यहाँ कुनै कमी कमजोरी छ अथवा यसलाई चाहिँ गाह्रो अख्यारहरू छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन र यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न यहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ र कुन कुन अधिकारीले के गर्ने के नगर्ने के गर्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि पहिला हामीले आचार संहिता भन्ने पुस्तकमा छाप्थ्यौँ। अहिले हामीले निर्वाचन कसुर तथा सदाय ऐन पनि त्यही पुस्तकमा छापेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त कुन अनुगमन अधिकारीले कुन ठाउँमा कसरी सदाय गर्ने अथवा के कार्य क्षेत्र ग्रहण गरेर कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु पनि हामीले त्यही आचार संहिताको पुस्तकमै छापेका छौँ। आयुक्त भंडारी घर दुहार कार्यक्रम में दल सब आचार संहिता उल्लंघन कने निवेदन सब आयल दिस गंभीर ध्यानाकर्षण करबैत अहि के तत्काल नियंत्रण कर सेहो निर्देशन देलन अछि। आचार संहिता पालना नै भेला पर कठोरतापूर्वक कार्यवाही कयल जेबाक ओ बतौलन। र घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनलाई उहाँहरूले कसरी के ठाउँमा के गर्नुभएको छ भने सबै दलका दर्जनौँ दर्जन झन्डा बोकेर नाचगान बजान गर्दै उहाँहरू घर दैलो कार्यक्रम गर्नुभएको छ जुन आचार संहिताले दिँदैन निषेध गर्छ। यदि त्यस्तो देखियो भने घर दैलो कार्यक्रम तुरन्त नियन्त्रण गरेर यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्यो भने नियन्त्रणमा समेत लिएर उसलाई सोधपुछ गरेर प्रष्टीकरण लिएर के कसो गर्नुपर्छ यहाँहरूले तत्काल कारवाही गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगले। आयुक्त भंडारी आचार संहिता पालना करेबाक संबंध में कानून में अस्पष्टता भेला पर निर्वाचन आयोग में लिख कर भेज से अनुरोध कयलन।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रचार प्रसार के लिए टांगल गेल बैनर सब तत्काल हटेबाक निर्देशन देव प्रमुख जिलाधिकारी सब के आग्रह कलक सोम दिन देश भर के प्रमुख जिलाधिकारी सब संग गृह मंत्रालय से भेल वर्चुअल बैठक मार्फत निर्वाचन आयोग के सचिव गोकर्ण मणि दोवाड़ी एहन निर्देशन दिलन ओ उम्मीदवार सब विभिन्न स्थान में बैनर टांग के प्रचार प्रसार कर रहा जानकारी अलकहत एहन काज नहीं कर अनुरोध कलन ओ बैनर के दुरुपयोग भ रहा से संबंधित उम्मीदवार सबके बैनर हटाब निर्देशन देव प्रमुख जिलाधिकारी के आग्रह कलन संबंधित उम्मीदवार तत्काल हटाना निर्देशन दिने न हटाए में तो हटाना लगने हटाना लगे खर्च संबंधित उम्मीदवार बढ़ाने भाई आचार संहिता में उल्लेख कसैले जिम्मा लिएन मैले गरेकै होइन भने भने पनि अस्ति आयोगले के निर्णय गरेको छ भने जुन उम्मेदवारको चाहिँ निर्वाचन चिन्ह प्रयोग भएको छ त्यही उम्मेदवारले चाहिँ त्यो चाहिँ टाँसेको हो भनी माने त्यसलाई हटाउन लगाएर कारवाही गर्ने किनभने अर्काले अर्को उम्मेदवारको प्रचार प्रसार त पक्कै गर्दैन अघि धनुषाका शिव साहबले यो विजयी उम्मेदवारले चाहिँ भोज भतेर गर्न नपाउने अरूले त पाउँछ कि भन्नुभएको थियो त्यो होइन सचिव दुवाडी सरकारी कर्मचारी कोनो भी उम्मीदवार के पक्ष अथवा विपक्ष में मत जाहिर कर नहीं पैबाक आचार संहिता में व्यवस्था भेला से क्यों एना कैल भेटल गेला पर एहन काज रोक लगाल जेबाक बतौलन कुनै पनि कानूनले गोप्य मतदान गर्ने अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा त्यो किसिमको पक्षधरता देखिन पाइँदैन र यो कुनै पनि कर्मचारीले यो उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा चाहिँ मत जाहेर गर्न चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पाइँदैन भनेर अस्ति चाहिँ निर्णय पनि गरिसकेको छ चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत जानकारी पनि गराइसकेको छ तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो भेटिएमा तुरन्त त्यो कार्य रोक्न लगाउने ओ स्थानीय तह संघक सहकार्य में मतदाता शिक्षा के काज कर आग्रह कलन जिला में प्रमुख जिलाधिकारी के सहभागिता में मतदाता शिक्षा जिला स्तरीय समिति के व्यवस्था भेल आ वही समिति अंतर्गत मतदाता शिक्षा के काज आगा बढ़ाल जेबाक बतौलन यो निर्वाचनको स्वच्छता चाहिँ कायम गर्न कतिपय ठाउँमा प्रहरी प्रशासन चुक्यो भनेर पनि गुनासाहरू आइरहेका छन् कतिपय स्थानमा त अमुक दलका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन पनि सहयोग गरियो भनेर आरोपहरू पनि आइरहेका छन् यो आरोपहरूबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्नेछ त्यस कारणले हुन त यो सोसियल मिडियाहरूमा भाइरल भएकै भिडियोहरू पनि देखिन्छ यो चाहिँ मतपेटिकाहरू जबरजस्ती कब्जा गरेर बोकेर दौडिरहेको अवस्था देखिन्छ मतपत्रहरू च्यातिरहेको पनि देखिन्छ त्यस कारण यो घटनाहरूमा चाहिँ हामी मुखदर्शक भएर बस्नु भएन प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने र यो गऱ्यौँ है भनेर तत्काल समाचार सम्प्रेषण पनि गर्ने रिपोर्टिङ पनि गर्न गरियो भने हामीले काम गरेको देखाउन पनि सक्छौँ ओ क्यों निर्वाचन में बाधा पुगेबा किसिम के गतिविधि केला पर कानूनी अधिकार प्रयोग का नियंत्रण कर आ कार्रवाई के दायरा में आना निर्देशन दिलन सचिव दुवाड़ी एना का नियंत्रण आ कार्रवाई कने बात सबके नागरिक धरि पहुँचाब समाचार संप्रेषण में ध्यान देवसी आग्रह कलन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजू अर्याल मतपेटिका ढुवानी के लिए सुरक्षीय निकायक सवारी साधन प्रयोग नहीं कला पर निक हेबाक सुझाव दिलन अखन 4 गति हो वाला प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा निर्वाचनक विषय में सोम दिन गृह मंत्रालय में आयोजित प्रमुख जिला अधिकारी सभक वर्चुअल बैठक में ओ एहन धारणा रखलन मतदान के बाद चुनाव में हारबाक पक्ष सुरक्षा निकायक सवारी साधन में मतपत्र आला से अपना सबके हार पड़ल आरोप लगवैत अला से हर संभव मतपेटिका ढुवानी के काज में सुरक्षा निकाय के सवारी साधन प्रयोग नहीं कर ओ सुझाव दिलन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अड़ियाल निर्वाचन में बहुत संवेदनशील भक सुरक्षाकर्मी से परिचालन कैल जेबा से स्पष्ट कलन निर्वाचन में एक मात्र यूनिट गलती कला पर ऐसे पूरा सिस्टम में असर कर ते सुरक्षाकर्मी के परिचालन करते काल विशेष ध्यान दिल जेबा हुनक आग्रह छल चुनाव में कहीं अगि भी कुछ निस्क्यो आरोप छुन पड़ने कुछ एक जिला में राो एटा जिला में अलग तलमा थी भोल एकजा आरोप संपूर्ण खेप अवस्था त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकदमै सेन्सिटिभ भएर सबैलाई सबै निकायले त्यही हिसाबले चाहिँ गर्नु होला र यो मतपत्र ढुवानीको बेलामा चाहिँ चुनाव सकिसकेपछि अहिले चाहिँ सुरक्षा निकायको गाडीमा नल्याउने भन्ने छ त्यो दिन ल्याउने भन्ने पनि हुनसक्छ त्यो गाडीमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ पछि चुनावमा हार जित कसो कसो हुन्छ यो गाडीमा ल्याएर चाहिँ फिर्दियो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ सकेसम्म सुरक्षाको गाडी चाहिँ त्यसमा प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मान्नेजीलाई यो सुझाव पनि म यहाँ
पेश गर्न चाहन्छु र जोइन्ट रिपोर्टै हो जोइन्ट रिपोर्ट सबैले गरिराख्नु भएकै छ यसमा चाहिँ यही हिसाबले गर्दै जानुभयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ। बैठकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिवेश लोहनी अस्थायी मतदान केन्द्रमा परिचालित होवला सुरक्षाकर्मीको विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाओल जेबाक बतौलन। उ निर्वाचनक मौन अवधिमा शान्ति सुरक्षाके आवश्यक व्यवस्था मिलाव स्थानीय राजनीतिक दल सबसँग समन्वय क क सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल जेबाक सेहो बतौलन। अब हामीले हेर्दाखेरि एउटा जिल्लामा म्याक्सिमम् पाँचवटासम्म हुने भन्ने छ। हामीले भन्नुहोला जिल्लाहरूलाई एउटा जिल्लामा पाँचवटै हुँदाखेरि पनि पाँच र तिन आठजनाको दरले आफ्नो चाहिँ चालिसजना स्ट्यान्डमा मिलाएर राख्नु प्रहरी कर्मचारी खटाउनलाई भनेका छौँ। तर सकेसम्म मेरो अनुरोध चाहिँ बिचमा अलिअलि कुराहरू पनि आइरहेको छ। नजिकै केन्द्रहरू भएको ठाउँमा छुट्टै बनाएर हाम्रो म्यान पावर अरूहरू खटाउँदाखेरि केही समस्या आउँछ कि त्यो ठाउँ अवस्था हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक लोहनी निर्वाचनक मौन अवधि में झड़प होब सकवा कहत आवश्यक ध्यान देव आग्रह कने छलथि। गृह मंत्रालय बरसातक कारण अवरुद्ध सड़क तत्काल शुरू कराब संबंधित जिला प्रमुख जिला अधिकारी सबके निर्देश दिलक है। सोम दिन गृह मंत्रालय में आयोजित प्रमुख जिला अधिकारी सब संघ के वर्चुअल बैठक में गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह निर्वाचन के कार्यक्रम में समेत मद्देनजर रहकर 20-22 दिन भीतर ई काज सम्पन्न कर संबंधित प्रमुख जिला अधिकारी सबके निर्देशन दिलन। गृह सचिव सिंह अवरुद्ध भेल विद्युत आ संचार सेवा के सेहो शुरू करेबा काम में संबंधित प्रमुख जिला अधिकारी सबके विलम्ब नहीं कर सचेत करौलन। अर्को विद्युतको सुनिश्चितता नभएको ठाउँहरू जहाँ विद्युतका कतिपय पावरहाउसहरू ढलेका छन् बिग्रिएका छन् कतिपय ठाउँ हाइटेन्सन लाइनहरू बिग्रिएका छन् विद्युतको सञ्चार अवरुद्ध भएको छ सञ्चारको केही ठाउँ समस्या छ त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कर्त मारेर गर्नुहोला र त्यो कुराहरूमा के गर्नु भएको छ मन्त्रालय रिपोर्टिङ होस्। तैनाथ गृह मन्त्रालय ठोस मापदण्ड तय क क निर्वाचनक लेल आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन करबाक व्यवस्था मिलाव सेहो जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबके निर्देशन दिलक अछि। अब कतिलाई थप सुरक्षाकर्मी चाहिने भन्ने भन्ने कुरा अन्ध अनुमान नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब चाहिने यत्र हुन्छ र हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मी अर्को मुख गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले त्यो कुराहरूलाई हुन त यो सिचुएसनल हुनसक्छ तपाईँ कमान्डर कस्तो छ त्यो आरम्भ हुन्छ होइन कतिपय ठाउँमा दुईवटा चारजना मान्छेले पनि ठुलो कुद्र गर्छन् भने कहिलेकाहीँ 50 जनालाई पनि संयुक्त गरेर गराउन सकिने स्थिति हुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि अलिक एनालाइसिस गर्ने खालका कमान्डरहरू त्यहाँ हुनु पऱ्यो त्यहाँ हुने हामी गृह सचिव सिंह जिला प्रशासन कार्यालय सबद्वारा अगला घन 4 गते होवला प्रदेश सभा निर्वाचन में केन्द्रित भ कऽ अपन गतिविधि सब आगा बढ़ाओल जेबाक सेहो बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत अगला निर्वाचनक लेल अपने पार्टी के प्रभावशाली नेता सब टिकट नहि पहिनाय के कारण गठबंधन रहल बतौलन अछि। सोम दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता सबके मिलाकर देश के विकासक दिशा में अग्रसर बनाओल जेबाक भेला से सेहो पार्टी भीतरक किछ प्रभावशाली नेता सबके अगला निर्वाचनक लेल टिकट देब नहि सकल बतौलन। ओ गठबंधन के मिलाओल जेबाक कारण से सेहो अगला निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस बहुत ठामे उम्मीदवार नहि रहल बतौलन। ओ अगला गठबंधन सरकार सेहो नेपाली कांग्रेसक नेतृत्व में बनवा कहत लोकतंत्र के संस्थागत करबाक संविधान में भेल व्यवस्था के कार्यान्वयन करबाक लोकतांत्रिक संस्कृति के जीवन पद्धति बनेबाक नेपाली कांग्रेस पार्टी के लक्ष्य भेल जिक्र कयलनि। यसैको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ र हिजो त्यो जीवन पद्धति में विश्वास नगर्ने पार्टीहरू पनि अहिले चाहिँ यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति समर्पित भएर आउनु यो चाहिँ सुखद कुरा हो र मलाई लाग्दछ भोलि बन्ने सरकारले पनि मूलत यो गठबन्धनको सरकारले हामीलाई विश्वास छ जनताले हामीलाई विश्वास दिन्छन् मूलभूत रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र कानुनी शासनको आधारशिलामा देशमा समृद्धि सृजना गर्ने र समृद्धिको पहुँचमा। प्रवक्ता महत पार्टीमा अखन सब पक्षक सन्तुष्ट रहल दावी करैत अखन सहमतिमा निर्वाचनमा गठबन्धन जिताबै लेल लागि पडल जेबाक बतौने छलथि।
मधेश प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अगहन 4 गते होवला प्रदेश सभा आ प्रतिसभा निर्वाचन निष्पक्ष आ धाधली रहित कराब सुरक्षा निकाय सबके आग्रह कलन है। सोम दिन जनकपुर धाम में मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय के 67वां प्रहरी दिवस के अवसर में भेल समारोह में मुख्यमंत्री राउत निर्वाचन निष्पक्ष आ धाधली रहित सम्पन्न कराब सब सुरक्षा निकाय के आग्रह कलन है। वो ककड़ो भय त्रास आ डर नहीं मान कर मतदान केंद्र धर पहुँच कर मतदान करवाक सबक मौलिक अधिकार रहल बतौलन। हमी सबई को कर्तव्य हो दायित्व हो देश में यो काम को लगी महत्वपूर्ण जिम्मा पाने भैया नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सँग मेरो विशेष अनुरोध छ कि यो लोकतन्त्रको महापर्वमा यहाँहरूको जुन भूमिका छ त्यो निष्पक्ष रहोस्, पारदर्शी रहोस्, भयरहित रहोस्, कुनै पनि पार्टी, सङ्घ, संगठन, दल र व्यक्तिप्रति उसलाई फाइदा पुग्ने गरी कसैलाई नोक्सान हुने गरी त्यस्ता काम नगरियोस् भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध पनि छ। समारोह में मधेशक गृह तथा संचार मंत्री भरत शाह प्रहरी दिवस के शुभकामना दैत अगहन 4 गते बाद बनेवाला सरकार द्वारा प्रहरी समायोजन आ कर्मचारी समायोजन के संबोधन कैल जेबाक बतौलन। ओ प्रदेशक 8 जिला भारतीय सीमा संग जुड़ल रहला से नशीला पदार्थ के कारोबार होत आयल से बतौलन। नशीला पदार्थ के कारण युवा सब कुलत में फंसला से मधेश सरकार सुधार केन्द्र बनेवाक दिश ध्यान द रहा से बतौलन। र खास गरेर हाम्रो प्रदेशको सबै जिल्ला चाहिँ भारतीय सिमानासँग जोडिएको हिसाबले यहाँ लागु औषधको जसरी जो दुर्व्यसनीहरूको संख्या बढिरहेछ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त प्रदेश सरकारले प्रदेशमा चाहिँ एउटा चाहिँ सुधार केन्द्र बनाउने र समाजको मूलधारबाट जो अलग थलग भएका चाहिँ युवाहरूलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने तेना मधेश प्रदेश के प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मसूद आलम खा नेपाल प्रहरी विभिन्न किस्म के अवरोध के पार करत गौरवशाली इतिहास बनौने बतौलन। वो हरेक विकट परिस्थिति में आम नागरिक संग सहकार्य करत सामाजिक सद्भाव भौगोलिक अखंडता आ सार्वभौमिकता के कायम रखबा काज में नेपाल प्रहरी सदैव अग्रसर रहल बतौलन। छर्लङ्ग नै छ विभिन्न कालखण्डहरूमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम दैवी प्रकोप लगायत विभिन्न घटना दुर्घटनाहरूमा प्रहरीले प्रदर्शन गरेको पेसागत व्यावसायिकताले देशमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन नेपाल प्रहरी संगठन सक्षम र सफल भएको तथ्यले हामी सबै प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू गौरवान्वित भएको महसुस गर्छौं। कार्यक्रम में वीरगति प्राप्त कैने प्रहरी के परिवार के सम्मान कैल गेल छल। तहिना आउर संघ संस्था के सेहो सम्मान कैल गेल छल। कार्यक्रम में मधेश प्रदेश के गृह राज्य मंत्री रूबी कुमारी कर्ण, जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह, उपमेयर किशोरी शाह, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ध्रुवराज राउत, योग बहादुर पाल, मनोज यादव, मधेश प्रदेश प्रहरी श्रीमती संघ के अध्यक्ष सीमा खां, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश बहादुर मगर, धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौड़े लगायत के सहभागिता छल। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा प्रहरी के सब संगठन के प्रविधि मैत्री बनबैत जाय निर्देशन देलन अछि। सोम दिन 67वां प्रहरी दिवस के अवसर में प्रहरी प्रधान कार्यालय में भेल कार्यक्रम के संबोधन करत ओ एना बतौलन अछि। ओ सूचना प्रविधि के समय अनुकूल परिवर्तन क के आगा बढ़ला पर मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल कर सकबाक बतौलन। नेपाल प्रहरी के अगला दिन में और आधुनिक व्यावसायिक स्रोत साधन से सम्पन्न बनाब सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलन। ओ नेपाल प्रहरी भीतर सब कर्मचारी के वृत्ति विकास के समय अनुकूल सुधार करत जेनाय आवश्यक रहल सेहो बतौलन। यस कुरालाई मध्यनजर गरी प्रहरीको सबै संरक्षण कार्यशैलीलाई प्रविधिमध्ये बनाउँदै अघि बढाउन संगठनहरूलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। गौरवमय इतिहास प्रतिको नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक व्यावसायिक
स्वच्छ सम्पन्न सुरक्षित अङ्गको रूपमा विकसित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपालका लागि आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणका लागि सरकारले सबै प्राथमिकता दिइरहेको छ। अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रधानमन्त्री देउवा प्रहरी प्रशासन हरेक समय नेपाली नागरिकक सुरक्षा के प्राथमिकता में रहकर का काज कने कहत धन्यवाद व्यक्त कयलनि। बत्तीस से बेसी प्रहरी इकाई सब मार्फत सेवा प्रवाह करैत आयल नेपाल प्रहरी देश के सबसे बेसी नागरिक समक्ष पहुँच वेल संस्था रहल छै। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ प्रत्येक वर्ष आपराधिक घटना बढ़ रहा से नेपाल में सुरक्षा चुनौती से बढ़े जा रहा बतौलन है। सोम दिन 67वां प्रहरी दिवस के उपलक्ष्य में प्रहरी प्रधान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ विश्व में आपराधिक घटना बढ़ रहा कहत एकर चुनौती नेपाल में से बढ़त गेल बतौलन। ओ विश्व में अखन नया किस्म के प्रविधि सबक प्रयोग क आपराधिक गतिविधि सब होत आयल कहत विज्ञान आ प्रविधि के उच्चतम प्रयोग क आपराधिक क्रियाकलाप सबक नियंत्रण करब आवश्यक रहल से बतौलन। ओ नेपाल प्रहरी से आपराधिक घटना के रोक विभिन्न विज्ञान प्रविधि के प्रयोग कर रहा बतौलन। गृहमंत्री खाड़ नेपाल प्रहरी क्षमता अभिवृद्धि कर आ अपराध नियंत्रण में सहयोग कर सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहल बतौलन। ओ नेपाल प्रहरी के जवान सभक क्षमता विकास आ सुविधा वृद्धि के लिए सरकार प्रयत्न कर रहल से बतौने छलथि। चुनौतीहरू थप अहिले संसारभरि नै आपराधिक गतिविधिहरूमा नयाँ आयामहरू थपिएको छ। नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अपराधीहरूले पनि गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चुनौतीहरू थपिएका छन्। तथापि नेपाल प्रहरीले पनि ती नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिहरूलाई अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दै आएको छ र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उहाँहरूको कार्यलाई अझै प्रोत्साहित गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय सदैव सकारात्मक अगाडि बढ्नेछ। गृहमंत्री खाड़ बीतल वर्ष सरकार प्रहरी जवान सभक क्षमता विकासक लेल विभिन्न कार्यक्रम आ योजना आगा बढ़ौने कहत किछ हद धरि प्रहरी जवानक क्षमता विकास में मदद पहुँचल बतौने छलथि। नेपाल प्रहरी के प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह सब प्रहरी इकाई अपने भवन से सेवा देव नहि पाबि रहल कहत आवश्यक व्यवस्था मिलावक लेल सरकार संग आग्रह कयलनि अछि। सोम दिन 67वां प्रहरी दिवस के अवसर में प्रहरी प्रधान कार्यालय में ओ एहन बात बतौलन अछि। महानिरीक्षक सिंह किछ प्रहरी कार्यालय बैरक सब एखनो आर निकाय के व्यक्ति के घर में आश्रय ले आयत कहत आम नागरिक से प्रहरी कार्यालय के लिए प्रदान कयल गेल जमीन उपलब्ध करा कर प्रहरी कार्यालय के अपने भवन में राख आग्रह कयलन अछि। ओ बीतल वर्ष नेपाल में अपराध क के विश्व के विभिन्न स्थान में नुका कर रहल 17 गोटे के पकड़ने आ आई बरस से अखन धरि कतार आ मकाऊ से 7 गोटे के पकड़ कर कानूनी कार्यवाही चलाओल गेल जानकारी दिलन। महानिरीक्षक सिंह बीतल वर्ष 11,500 किलो गांजा आ 69 किलो हेरोइन आ 50 किलो अफीम बरामद कऽ कऽ 221 गोटे विदेशी सहित 5,779 गोटे के कानूनी दायरा में आने से जानकारी दिलन। कुल अपराध दर्ता संख्या में 17% वृद्धि भएको छ। यद्यपि कर्तव्य ज्यान अपहरण लगात संगठित अपराध का घटना में उल्लेख्य कमी आएको छ। आर्थिक अपराध का घटना में केही बढ़ोत्तरी भएको छ। आर्थिक अपराध र अपराधी प्रति संगठनले लिएको कठोर नीतिप्रति प्रहरीको भरोसाले अपराध सहेर बसेका पीडितहरू प्रहरी कार्यालयमा आएर मुद्दा दर्ता गर्ने साहस गर्न सक्षम भएको रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। इन्टरपोलको सक्रिय सदस्यको रूपमा विकसित मजबुत अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल र नियन्त्रण समन्वयको फलस्वरूप नेपालमा अपराध गरी विश्वका विभिन्न स्थानमा लुकेर बसेका 17 जनालाई गत वर्ष इन्टरपोलकै सहयोगमा कानुनी दायरामा ल्याई अपराधीहरूको लागि संसारको कुनै पनि स्थान सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिन नेपाल प्रहरी सफल भएको छ।
महानिरीक्षक सिंह निर्वाचन सुरक्षा के दीर्घ अनुभव के सदुपयोग कक प्रभावकारी प्रहरी आ मैदी प्रहरी परिचालन उत्कृष्ट अंतर निकाय समन्वय के संगे शांतिपूर्ण वातावरण में निर्वाचन सम्पन्न कक लोकतंत्र के संरक्षण करबा में प्रहरी प्रशासन प्रतिबद्ध रहल बतौने छलथि। कावड़े प्लांचों के रोसी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 खुकुड़े पाखा में जेसीबी अनियंत्रित भक पलटला से चालक के मृत्यु भेल छे। मृत्यु होवला में जेसीबी चालक रामे छाप के दोरम्बा गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के 25 वर्षक जीवराज तामांग रहल छे। कुखुड़े पाखा से कटुंजे धरे जा रहल बा दुख 8602 नंबर के जेसीबी अनियंत्रित भक भिनसर सड़क से 95 फीट नीचा नदी में खसल प्रहरी चौकी कटुंजे जानकारी दिलक। सरलाही में बस दुर्घटना भेला से 23 गोटे घायल भेल छे। काकड़ भिटा से भैरवा जा रहल बा 4x3378 नंबर के बस ईश्वरपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 12 बांके स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग में अनियंत्रित भक दुर्घटना भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी दिलक। बस सड़क कात में पलटला से बस में सवार रहल 33 गोटे में से 23 गोटे घायल भेल प्रहरी जानकारी दिलक। घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। दुर्घटना में बसक चालक दीपक बोहरा के 3 वर्षक बेटी प्रिंस आ बसक परिचालक झापा के मेची नगर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के 21 वर्षक प्रदीप पूरी गंभीर घायल भेल। और घायल सबके गढ़ीमाय अस्पताल में इलाज भ रहा है। दुर्घटना में घायल में से 9 गोटे इलाज बाद घर घूरल छे। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 46 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में आरटीपीसीआर परीक्षण केला पर 40 गोटे एंटीजन परीक्षण केला पर 6 कक कुल 46 गोटे नया संक्रमित भेटल छे। तहिना पिछला 24 घंटा में 17 गोटे कोरोना मुक्त भेल छे। एहि संगे नेपाल भर अखन धरि कोरोना संक्रमित निक होवला दर 98.7% रहल छे। तहिना पिछला 24 घंटा में मृतक के संख्या 0 रहल छे। अखन धरि नेपाल में कोरोना संक्रमण से 12,018 गोटे के मृत्यु भ चुकल छे। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 711 रहल छे। आसिन महीना के अंतिम दिन सोम के सोनक मोल बढ़ल छे। तहिना चांदी के मोल स्थिर रहल छे। नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोम दिन सोन के मोल तोला में 200 रुपया बढ़ल छे। छापाबल सोन के मोल प्रति तोला 93,300 आ तेजाबी सोन के मोल 92,800 रुपया तुकल गेल छे। रवि दिन छापाबल सोन प्रति तोला 93,100 आ तेजाबी सोन 92,600 रुपया तुकल गेल छल। सोम दिन चांदी के खरीद बिक्री प्रति तोला 1,160 रुपया तुकल गेल छे। होटल संघ नेपाल बैंक के सावा ब्याज के किस्ता बुझेबाक समय 2 वर्ष और नहीं बढ़ला पर होटल सब बंद करबाक सरकार के चेतावनी दिलक। होटल सब के संगठन होटल संघ नेपाल तत्काल बैंक के सावा ब्याज बुझाव नहीं सकबाक घोषणा समेत कलक। संघ कोविड शुरू कैने होटल उद्योग अखनो सामान्य अवस्था में नहीं घुरल कहत और 2 वर्ष धरि के लिए बैंक के सावा ब्याज फिर से तालिकीकरण उपलब्ध कराव सरकार संघ मांग कलक। संघ के उपाध्यक्ष विनायक शाह सरकार तत्काल और 2 वर्ष धरि के लिए बैंक के सावा ब्याज फिर से तालिकीकरण कैल जेबाक बतौलन। सरकार ने कोरोना को मार में हमारे होटल इंडस्ट्री झनी झनी 2.5-3 वर्ष देखि थलिया छ। र सरकारले पनि अति प्रभावित उद्योग भनेर हामीले त्यो अनुसारको व्यवहार गरेका थियो। योभन्दा अगाडिका बजेटले योभन्दा अगाडिका मौद्रिक नीतिहरूले अब त्यो ब्याङ्कबाट लिएको जुन सावा ब्याजका कुराहरू अलिकति पछाडि धकलेको थियो, पछि तिरे पनि हुने गरेको थियो। त्यो चाहिँ नि गएको असारदेखि चालु आर्थिक वर्षदेखि त्यो प्रोभिजनहरू हटायो। अब सरकारको नजरमा चाहिँ हाम्रो होटल उद्योगहरू बिस्तारै सामान्य भइसक्यो भन्ने अवस्थाबाट उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। जबकि आजको तपाईँ हाम्रो तथ्याङ्कै हेर्दाखेरि पनि हामी होटल उद्योगहरू चाहिँ हामी केही मात्रामा अगाडि आएको हौँ, तर हाम्रो अझ पनि ब्रेक इभेन कमाउन सकिरहेको छैनौँ। अखनके परिस्थिति में होटल सब लेने सावा के किस्ता आ अमे बहन कैल जेबाक ब्याज बुझेबाक जिम्मेवारी रहल पर कोनो हालत में बैंक के सावा ब्याज बुझाब असक्षम रहल बतौलन। वो अई वर्ष 5 लाख पर्यटक सेहो आन नहीं सकला से होटल उद्योग 50% सेहो चल नहीं सकल दावी कलन। आब खेल समाचार।
महिला क्रिकेट उपाधि के लिए नेपाल पुलिस क्लब आ सशस्त्र प्रहरी बल बीच प्रतिस्पर्धा होयत। पुलिस मंगल दिन पोखरा रंगशाला क्रिकेट मैदान में उपाधि के लिए सशस्त्र प्रहरी बल संग खेल लागल छे। ज्योति पांडे के अभिजीत 69 रन के पारी में सशस्त्र प्रहरी बल लुम्बिनी प्रदेश के 67 रन से पराजित करते फाइनल में प्रवेश कलक। 130 रन के लक्ष्य पछियों ने लुम्बिनी प्रदेश 62 रन में समटायल छल। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत सोम दिन पोखरा रंगशाला में भेल पहल सेमीफाइनल में टॉस हार कर सशस्त्र 129 रन के योगफल तैयार कने छल। 130 रन के लक्ष्य पछियों ने लुम्बिनी 62 रन में समटायल छल। दोसर खेल में टॉस हार कर बैटिंग कने नेपाल पुलिस क्लब बागमती प्रदेश के 36 रन से पराजित करते फाइनल में प्रवेश कलक। टॉस हार कर बैटिंग कने नेपाल प्रहरी 4 विकेट के क्षति में 129 रन के योगफल तैयार कने छल। 124 रन के लक्ष्य पछियों ने बागमती प्रदेश 87 रन में समटायल। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत स्वाक्स पुरुष व्यक्तिगत विधा में गंडकी प्रदेश स्वर्ण पदक जीतलक। सोम दिन पोखरा रंगशाला स्थित स्क्वास कोर्ट में भेल प्रतियोगिता में गंडकी अमृत थापा मगर बागमती के अरहांत सिम्हा के पराजित करते स्वर्ण पदक जीतलक। थापा के हैट्रिक पदक रहा है। वो सातम आठम खेलकूद प्रतियोगिता में समेत स्वर्ण पदक जीतने छल। प्रतिस्पर्धात्मक खेल में थापा 12-10 स्कोर लेत आगा बढ़ल छल। दोसर सेट में 8-11 गुमने छल। तेसर सेट में 12-10 स्कोर लक 2-1 के सेट में रहल है। मुदा चारिम सेट में 9-11 में पराजित भेला बाद निर्णायक सेट में थापा 11-8 लेत स्वर्ण पदक जीतलक। बागमती के आमिर बुलोम आ गंडकी के दीपक थापा कांस्य पदक जीतने। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संस्कृतिविद जोशी के निधन में मंगल दिन सार्वजनिक विदा देवा सरकारक निर्णय। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काज करे वाला के तत्काल कार्रवाई कर आयोग द्वारा सीडीओ सब के निर्देशन। टूल बैनर तत्काल हटाल जाए। सोम के 67वां प्रहरी दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गया। बैंक के ब्याज की किस्ता बुझेवाक समय 2 वर्ष और बढ़ावा। होटल संघ के मांग समय नहीं बढ़ला पर होटल सब बंद करवाक चेतावनी। आ राष्ट्रीय खेलकूद में महिला क्रिकेट के उपाधि के लिए पुलिस क्लब आ सशस्त्र प्रहरी बीच प्रतिस्पर्धा है। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।